हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। फेस्टिवल आने का मतलब है बहुत सारा काम, बहुत सारे मेहमान और ढेर सारी दावतें। और ऐसा ही त्यौहार है बकरीद, जिसमें हमें बनानी होती है बहुत सारी मटन की अलग अलग तरह की डिशेस, और ऐसे में हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में कितना ही अच्छा हो कि हमें बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी के बारे में पता चल जाए, जिससे हमारी मेहनत भी कम हो जाए और डिश का मज़ा भी कम ना हो और वाहवाही मिले ज़बरदस्त। तो ऐसे ही एक लजीज डिश का नाम है हमारी फ्राई गोश्त, जो कि बनाने में है बहुत आसान और खाने में है ज़बरदस्त। तो चले बनाना देखते हैं। फ्राई मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम बोनलेस मटन, जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप भी छोटे छोटे पीसेस कर लें। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिया है मैंने इसको एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे है एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये है चाट मसाला पाउडर, वो भी एक चम्मच। और ये है नमक ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि आधा चम्मच। और यहाँ पे मैं डालूँगी ये विनेगर, वाइट विनेगर। तो इसको लिया है मैंने दो टेबल स्पून विनेगर इसमें डालना है। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये मसाला अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसको हम रखते हैं ढाँक के फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। तो 3 घंटे हो चुके हैं, ये फ्रिज में मैंने रख दिया था, ये मटन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल रख दिया मैंने कढ़ाई में गर्म होने को, और चलें हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और इसकी आँच मैंने अब लो कर दी है, क्योंकि ये इसमें पड़ेगा तो बहुत तेज। संभाल के डालें इसको। और हम इस मटन को फ्राई करते हैं। पूरा मटन इसमें पड़ चुका है और इसको हम फ्राई करेंगे ऐसे मीडियम आंच पे करीब 5 से 6 मिनट तक। और ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको हम कर देंगे इसकी आंच धीमी और इसको ढाँक के पकाएंगे। पर इस बीच इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पानी एक बार ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा बीच में, क्योंकि ये पकने में लगेगा 30 से 45 मिनट इसमें बीच में, और डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी पर। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा बीच में अगर लगे ज़रूरत तो। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं मटन को फ्राई होते हुए। अब मैं इसको ढाँक रही हूँ और गलने के लिए धीमी आंच पे छोड़ रही हूँ। तो आपने देखा ये कितनी आसान रेसिपी है कि इसमें हमें कोई भी अदरक लहसुन तक नहीं डालना पड़ा। तो आधा घंटा पकने के बाद ये अब ऐसा हो गया, बिल्कुल फ्राई हो गया, इसका पूरा मसाला इसी में एब्जॉर्ब हो चुका है और ये बिल्कुल फ्राई हमारा मटन रेडी है। चले अब हम इसको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समद किचन को, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। तो बस इसको मैंने यहाँ पे सर्व किया है थोड़ी सी प्याज नींबू के साथ, और ये हरी चटनी जो कि हमारी एवरग्रीन चटनी है, हर किसी के साथ अच्छी लगती है। चटनी की रेसिपी की लिंक भी मैं दे दूँगी, इसको आप लोग बनाना देख लें कैसे बनती है, और ये बड़ी यमी होती है। तो इसके साथ ये बहुत अच्छा इसको टेस्ट देती है। तो ये फ्राई गोश्त हमारा रेडी है और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं सलाद और चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत ही आसान थी बनाने में, और जब हमको बहुत सारे आइटम बनाने होते हैं, बहुत सारी डिशेस बनानी होती हैं, उसके लिए परफेक्ट है कि आप पहले से थोड़ी तैयारी करके रख लें और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो फौरन फ्राई करके दे दें इसको। तो ये थी हमारी एक बकरीद स्पेशल रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और करें समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।